रुपये। मेरे पास चार नहीं छह मुठिया है तुम्हें मारने के लिए। हाँ ग्रैंडपा, यहाँ एक पागल रूप बदलने वाला मॉन्स्टर घूम रहा है। बेन, वही तो है वो रूप बदलने वाला मॉन्स्टर। ग्रैंडपा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, तुम्हें लगता है तुम मेरे परिवार का रूप लेकर मुझसे बच सकते हो? आप लोग सबको सुरक्षित जगह ले जाइए, मैं इसकी खबर लेता हूँ। हाँ वही करते हैं। मुझे हमेशा से देखना था कि मैं अपने साथ लड़ूंगा तो कौन जीतेगा। तुम्हें शायद सब पता होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि मुझे सब पता है कि तुम क्या करने वाले हो, समझे? रुको, मैं ये नहीं कर सकता। ओह नो, अभी नहीं लगता है कि मैं बुरा हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही ताकतवर हूँ, अब सीरियस होने का वक्त है। रुको, ये शॉक एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओह हाँ, ये हुई ना बात, अब कमाल देखो नकलची। यार ये तो काफी मार खा लेता है। इस तरह लगता है सब लोग निकल गए। चलो देखते हैं वहाँ बेन का क्या हाल है। कोई फायदा नहीं, ताकत के मामले में ये दोनों बराबरी के हैं। बस इतना ही दम है तुम्हें? मैं ये दिन भर कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैंने कहा पूरा दिन। अब तुम दोनों बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हो। ओह हे, क्या तुम भी मेरी तरह टाइम आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? ओके रहने दो। हाय ग्रैंडपा, हाय ग्वेन। ये बेन का सबसे ताकतवर एलियन है, इसे रोकना मुश्किल होगा। अगर मैं स्टोरेज वाले कबन में फंसता नहीं तो इसकी छुट्टी कर चुका होता। जब हमने ग्रे मैटर को देखा तो हमें कैसे पता चलता कि वो तुम नहीं हो? तुमने उस जोकर को मैं कैसे समझ लिया? सिर्फ इसलिए कि वो मेरी तरह दिखता था और मेरी हर मूव कॉपी करता था। और अब वो तोड़फोड़ कर रहा है, शायद वो इतना स्मार्ट नहीं है। पता नहीं, शायद उसे टेलीस्कोप से नफरत है। रुको, देखो वो क्या कर रहा है। ये अपनी परछाई वाली चीजों पर हमला कर रहा है। शायद इसे लगता है वो मैं हूँ। पर वो तकलीफ में लग रहा है और हमला करने से पहले वो बार बार आकार बदल रहा है। एक मिनट, चलो उन आइनों को कुछ काम में लाते हैं। फाइनल राउंड के लिए तैयार। बात बन रही है। इतना भी सह नहीं पाए। हाँ पहले, ये तो बस शुरुआत है। हाँ, तो ये ऐसा दिखता है। पर ये कितना मासूम दिखता है। ये स्पेसिमेन ये लैब से भाग गया था, हैरत है। इसे जल्दी से ले लो। ये है क्या चीज? हमें नहीं पता, लेकिन ये कॉपी करने वाली कमाल की चीज है। और हो सकता है कि इसी वजह से शायद वो यहाँ तक पहुँचा है। रुको, ये हमें खाने वाला था? ये एक अंदाजा है, गहरी स्टडी किए बिना हम कुछ नहीं कह सकते। और तुम्हारी वजह से अब हमें पता है कि ये मटेरियल किस चीज के साथ कैसे रिएक्ट करता है। क्यों, मैंने सही कहा ना छुटकू? चलो अब तुम्हें लैब लिए चलते हैं। वो जो हुआ वो बहुत ही अनोखा था। अपनी ही परछाई इस्तेमाल करके एक मिमिक्री फीडबैक लूप तैयार करना, जब तक हम उसे एक रिफ्लेक्टिव घेरे में रखेंगे वो सेफ रहेगा। अब मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि तुम एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। आप लोगों ने सुना क्या? ये सही कह रही है, बहुत स्मार्ट आइडिया था, शाबाश कजिन। मैं हमेशा अपनी दिल की आवाज़ नहीं सुनना चाहता। जैसा कि तुम कहते हो, मुझे कूल चीजों के साथ बोरिंग चीजें भी सीखनी चाहिए, भले ही क्यों ना वो अच्छे ग्रेड्स की बात हो। रुको, कहीं हस्कली बेन उस जार में तो नहीं रह गया?